बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इब्तदा की हमने अल्लाह ताला के नाम से जितना इबादत के लायक है, आप और मैं इस चीज़ की गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी नबी और रसूल हैं। आप और मैं इस चीज़ पे भी कमिटेड हैं कि इल्म का माखज़ कुरान मजीद और उस तक पहुँचने का रास्ता मेरे नबी की सुन्नत। आज की रिवीजन वाले पॉइंट्स को हम देखें तो सामने मेरे लिखा हुआ, ये भी किसी यूनिवर्सिटी का कोई छोटा सा सेशन था, मेरे ख्याल से किसी यूनिवर्सिटी के मैंने स्टाफ की ट्रेनिंग करवाई थी, तो उससे रिलेटेड था कि तीन तरह के दोस्त होते हैं। एक वो जिनका इल्म आपसे कम होता है, वो बेसिकली आपसे सीखने आते हैं। दूसरे वो जो जिनका इल्म आपके बराबर होता है, वो आपके साथ गप्पे मारने आते हैं। तीसरे वो जिनका इल्म आपसे ज़्यादा होता है, आपने उनसे सीखना होता है। अब इन तीनों के साथ वक्त कैसे गुजारा जाएगा? देखें, जिनका इल्म आपसे कम है उसमें आपने ज़्यादा बोलना है, समझाने के लिए बोलना है। जिनका इल्म आपसे ज़्यादा है वहाँ पे आपने ज़्यादा खामोश रहना है, यानी कि उसमें होना ये चाहिए है कि आपने सीखना है वहाँ पर, जितना सीख सकते हैं वहाँ सीखना है। और बाकी जिनका इल्म आपके बराबर है वो गप्पे मारने वाले होते हैं। अच्छा, फिर एक वो था कि एक सीरीज़ मैंने शुरू की थी बाबा जी के नाम से, तो उसमें कुछ पॉइंट्स मैं लेकर आया करता था, उसी को मैं दोबारा ले आता हूँ कि घर से परेशानियाँ ख़त्म ही नहीं होती, एक दूसरे को काट खाने को दौड़ते हैं, घर जहन्नम हो गया है, बाबा जी ऐसा क्यों हुआ? तो बाबा जी जवाब देते हैं, बाबा जी को एक मैंने करेक्टर के तौर पर इंट्रोड्यूस करो आया था। बाबा जी कहते हैं कि बेवजह नेकियां किया करो, क्योंकि वजह के साथ की जाने वाली नेकी नेकी नहीं होती, लिहाजा असर भी नहीं रखती, लिहाजा बेवजह नेकियां किया करो। ये जो बेवजह नेकियां होती हैं ये आपको बेवजह कामयाबियां दिलवाती हैं, बेवजह आपको सुकून दिलवा देती हैं। इसी तरह से एक और सवाल पूछा गया बाबा जी से, बाबा जी मुझे क्यों ऐसे दोस्त मिलते हैं, धोखेबाज, लालची, झूठे? तो बाबा जी जवाब देते हैं कि ऐसा नहीं है, दरअसल ये सब तो तुम्हारे किरदार का अक्स होता है। अगर अपने इर्द गिर्द तब्दीली चाहते हो तो अपने किरदार पर मेहनत करो, सब बेहतर हो जाएगा। बेहतरीन बात। आज की गोल्डन बात की तरफ हम आ जाते हैं। ये दोनों बातें बड़ी बेहतर थीं, गोल्डन बातें थीं कि अगर आप अपने आप को बेहतर करोगे तो आपका इर्द गिर्द सारा बेहतर हो जाएगा। आप यकीन करें कि एक दौर में ऐसे आलिम भी गुजरे हैं जिनके घर के स्वीपर जो है वो आज के आलमों से ज़्यादा नॉलेज रखते थे। ये मैं किसी लेक्चर में इसकी एग्जाम्पल भी दे चुका हूँ। इसी तरह से मैं नाम अपना नहीं लेता, वैसे जनरल बताता हूँ कि ऐसा दौर भी था कि कहा जाता है कि जिनके तालबे इल्म जो हैं वो बकिया लोगों के असातिज़ा से ज़्यादा इल्म रखते थे। इसकी मिसाल छोटी सी ले लें कि जो बड़ी टीमें हैं दुनिया की, उनका जो 12th फैन होता है वो जो छोटी टीमों का की प्लेयर होता है उससे भी अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये हैं कि आप बेसिकली अपने किरदार का अक्स होते हैं। अच्छा, ये चीज़ भी वो है कि अक्सर बेशतर बगैर टाइम लिए जो लोग कॉल करते हैं तो मुझे लगता है कि उन्हें ये एहसास ही नहीं होता कि वक्त कितनी कीमती चीज़ है, इसको बेवजह इस्तेमाल कर लिया जाता है। अच्छा, हम आ जाते हैं गोल्डन बात की तरफ, वक्त ज़ाया नहीं करते आपका। गोल्डन बात, कोई भी काम करने से पहले ये सोच लेना कि इसको करने की वजाहत आखिरत में रब के सामने खड़े होकर जब करोगे तो क्या वो वजाहत रब मान लेगा। बहुत बहुत प्यारी बात है कि अगर आप कोई भी काम करने से पहले, कोई भी झूठ बोलने से पहले, धोखा देकर आप ये चीज़ बेचने से पहले, मेहंदी में नाच गाना या मेहंदी जैसी खुराफात करवाने से पहले, ये बर्थडे जैसी चीज़ें करने से पहले, ये बेवजह खाने होटलों पे खाने से पहले, आपने कुंडे के ज़रिए एसी चलाने से पहले,
धोखे के जरिए अपने बच्चों को एडमिशन करवाने से पहले, झूठ बोल के अपने बेटे और बेटियों की शादियां करवाने से पहले, ये सब चीज़ें करने से पहले अगर आप ये तो एक दफ़ा सोचें, जो एक्सप्लेनेशन हम किसी को दे रहे हैं कि हम ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, क्या रब के सामने जब आप ये एक्सप्लेनेशन देंगे तो क्या रब वो एक्सप्लेनेशन आपकी मान लेगा? क्या उस एक्सप्लेनेशन में इतनी जान है कि आप बोलें कि वो किसी के सामने भी दी जाए तो वो वाकई में एक्सेप्टेबल होगी? तो अगर आप अपने पैमाने इस तरह से जज करना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल से बहुत सारे गुनाहों से आप बच सकते हैं। दरअसल आप गुनाह करते क्यों हैं? आप खुद खुदा बने हुए होते हैं। अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होता ही नहीं है। जैसे भी लास्ट टाइम मैंने आपको बताया कि कुछ हमारे साथी यूरोप की ज़िंदगी की तारीफ़ कर रहे थे, तो मैंने उन्हें कहा कि ईमान के बदले, यकीन करें वो सुन्न हो गए थोड़ी देर के लिए। कहते हमने तो ऐसे सोचा ही नहीं था कि हम यूरोप की ऐशी की ज़िंदगी ले रहे हैं ईमान के बदले। क्यों? हमने कभी ऐसे बापों के साथ वक्त ही नहीं गुजारा। तो हमें ऐसे बापों के साथ वक्त गुजारना चाहिए है ताकि हमें थोड़ा सा ज़िंदगी के बारे में पता हो। ये फेसबुक की रानाइयाँ, ये यूट्यूब की रानाइयाँ, ये टिकटॉक की रानाइयाँ, ये फिल्मों ड्रामों की रानाइयाँ, ये आपको धोखे की ज़िंदगी दे सकती हैं, वो ज़िंदगी नहीं दे सकी जो कि हकीकत पे मबनी होगी, इस दुनिया में भी उस दुनिया में भी। दुआओं में याद रखिएगा। उन लोगों का बहुत शुक्रिया कि जो कि अब रेगुलर ये सुन रहे हैं, रेगुलर हमें मैसेज कर रहे हैं, रेगुलर आगे भी भेज रहे हैं, और लोगों की सख्तियां भी बर्दाश्त कर रहे हैं जिस तरह से उनको रिटर्न आते हैं। सदका जारी है जी, इसका भी आपको अजर मिलेगा कि अगर आप किसी को अच्छी बात बताते हैं और वो आपको इस वजह से तंज करता है कि वो उसके मिजाज के ख़िलाफ़ है बात, वो गुनाह करता है और आप गुनाह को बुरा बोल रहे हैं, वो कुंडे पे एसी चलाता है और कुंडे को बुरा कह रहे हैं, वो बेहया लिबास पहनता है या पहनती है आप उसको बुरा कह रहे हैं, इसकी वजह से अगर कोई आप पर उंगली उठाएगा तो इसका भी आपको अजर मिलेगा। तो इसी तरह से आगे शेयर करते रहें, हमने भी बर्दाश्त किया और आज अल्लाह ताला ने ये रुतबा दिया, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको ये चीज़ का खास अजर देंगे। तालबे दुआ, मोहताज दुआ। अस्सलाम वालेकुम।